आरजेडी जिसका नाता बाहुबलियों से पुराना रहा है, इस बार भी बाहुबलियों और दागियों की पत्नी को टिकट थमाकर पिछले दरवाजे से बाहुबलियों का सहारा ले रही है। इनमें एक जहां रेप के दोषी है, वहीं दूसरा रेप के आरोपी है जिनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। नाम राजवल्लभ यादव, नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक, दाग नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता, पत्नी विभा देवी को मिला आरजेडी का टिकट। नाम अरुण यादव, संदेश से आरजेडी की विधायक, दाग नाबालिग से रेप का आरोपी फरार, पत्नी किरण देवी को मिला आरजेडी का टिकट। नाम रामा सिंह, वैशाली से पूर्व सांसद, दाग हत्या और अपहरण के आरोपी, रघुवंश बाबू के विरोध के बावजूद आरजेडी में एंट्री, पत्नी के लिए आरजेडी से महनार सीट की मांग। नाम आनंद मोहन, शिवहर से पूर्व सांसद, दाग डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता, पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद आरजेडी में शामिल, सुपौल से लवली आनंद को मिल सकता है आरजेडी का टिकट। नाम शहाबुद्दीन, सिवान से पूर्व सांसद, दाग तेजाब कांड समेत हत्या के कई मामले में सजायाफ्ता, पत्नी हिना शहाब को 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी का टिकट, विधानसभा चुनाव में भी पत्नी हिना शहाब को मिल सकता है टिकट। राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, रामा सिंह, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन, ये वो चेहरे हैं जो कभी बाहुबलियों के नाम से जाने जाते थे। अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनमें रामा सिंह, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन तो बिहार के बड़े बाहुबलियों के नाम में शुमार था। वहीं राजवल्लभ यादव नाबालिग से रेप का दोषी है तो अरुण यादव नाबालिग से रेप मामले में फरार चल रहा है। दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इन दागियों की जरूरत आरजेडी को इस कदर है कि इनकी पत्नी को टिकट थमाकर पिछले दरवाजे से बाहुबलियों और दागियों का दबदबा राजनीति में बनाकर रखना चाहता है।